किसानों नूं दिल्ली दे बरूहा ते बैठे अज 4 महीने पूरे हो चुके, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल भी इन्हां दी मंगां नूं मनन नूं तैयार नहीं, जिस तों बाद अज संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों भारत बंद आह्वान किया गया है। देश भर दे विच अज भारत जिहड़ा बंद किया गया है, तो थां थां ते अज किसानां वल्लों जिहड़ा है सड़कां ते आके जाम लगाए गए ने, सारी मार्केट्स बंद की गई है। कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि लोग वॉलंटरली जिहड़े है वो इस बंद दे विच साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के मरीज हैगे जिन्हां नूं अज हस्पताल विच पहुँचना है, लेकिन वह भी अज इन्हां दे विच जिहड़े काफ़ी फसदे नज़र आ रहे हैं। तस्वीरां तुसीं वेखो, ये मुल्लापुर बैरियर दी है, ज़्यादातर हर गड्डी दे विच जिहड़े इन्हां दा कहना है कि मरीज हैगे ते इन्हां नूं नहीं अगे जान दिता जा रहे। हालांकि यह जरूर कहा गया सीगा कि एंबूलेंस या एमरजेंसी सेवावां दी जिहड़ी गड्डी उन्होंने जरूर अगे जान दिता जाएगा, उन्होंने रस्ता खोल दिता जाएगा। तस्वीरां तुसीं वेखो कि ये जिहड़ा ये मुल्लापुर बैरियर की तस्वीर है, तो कुछ गड्डिया दे विच असीं वेख सकते हैं कि मरीज भी हैगे जिन्हां ने अगे जाना हस्पताल दे विच, जिन्हां ने अज टाइम लिता सीगा कि अगे नहीं जान दिता जा रहा। तस्वीरां तुसीं वेखो कि ये जड़े आम पब्लिक हुई इस दे विच काफ़ी जड़ा परेशान होंदी नज़र आ रही है, क्योंकि इन्हों कहा गया सीगा कि किसी नूं जड़ा वो अगे जान तो जड़े एमरजेंसी सेवावां नहीं जान दिते जाएगी। कित्थे जा रहे जी तुसी? सर पीजीआई जा रहे हैं सर, ये तो मतलब नहीं बनता ना, आप दूसरे बंदे को भी परेशान कर सकते हो ऐसे। तो इन्होंने जो कहा है कि कोई एमरजेंसी सर्विसेज है या अगर कोई मरीज ऑटो ले लो आगे से, हम ऐसे कैसे, हमें कोविड का डर है कि पहले पेशेंट वीक है इतना और रोज टेस्ट होता है, हर फ्राइडे को यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड का टेस्ट करवाना है, तो हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते कि किसी ऑटो में जाके बिठा दे उनको आगे जाके, जब हमारे पास अपनी गाड़ी तो जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आगे हमें। तो आपको पता था कि आज बंद है? देखो ऐसी बात है कि हम अपने किसी नॉर्मल ऐसे तो नहीं आ रहे, नॉर्मली रोज आते हैं, कोई हमारा यहाँ पे कार्ड बना हुआ है, डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी हो रही है पेशेंट की, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं यहाँ पे, जब हमें वहाँ पे बुलाया जा रहा है, आपको पता ही पीजी में कोविड की वजह से कितना बुरा हाल चल रहा है इस टाइम, तो हम एक छोटी सी मतलब कि कोई भी बात को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ अगर हमें वहाँ पे बुलाया तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि पंजाब बंद है, ये कोई मतलब नहीं बनता है सर। बड़ी मुश्किल से हमें पता है कितने रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं पीजीआई के। तो आपने रिक्वेस्ट की आगे जाने की, क्या रिक्वेस्ट सर, इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं, हमने पता नहीं कितनी बार 5 किलोमीटर तो हमने वैसे वेस्ट कर दिया इधर उधर घूमते हुए, 11 बजे की रेडिएशन थेरेपी से हम लेट हो रहे हैं, आज हमें इवन की रिपोर्ट्स भी दिखानी है उनको डॉक्टर्स को। तो तुसी सुन सकते हो कि ये मरीजा दी अपनी वो हैगे दर्द हैगे अपना कह रहे कि असी सानू अगे नहीं जान दिता जा रहा है, ज़्यादातर इस रोड तो जड़े पीजीआई ही जड़े लोग, भैया पीजीआई वालों को तो कराओ, यहाँ पेशेंट बैठा है, अब आप लोग आपको तो कुछ देखो, हमारी ऑपरेशन है मेरी बहन का, क्या करें बताइए। तो क्या कह रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट की आगे? तो रिक्वेस्ट की तो वो बोलते गाड़ी साइड करो, अब वहाँ कोई ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा भाई साहब, थोड़ा तो ध्यान कराओ ना। हाँ अब आप लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी बहन का ऑपरेशन है, अभी बुला रहे हैं डॉक्टर, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या करें बताइए। अभी पहले पता होता तो आज नहीं कराते ऑपरेशन, हमको थोड़ी मालूम था ये बात। तो खत्म ने जमीर, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ? ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਹਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਡ ਵੀਰ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ, ਅਬ ਮੈਂ ਔਰ ਕੀ ਬਤਾਉਂ। ਹਾਂ ये तो देखो ना वीर जी, देखो ना आप, एक मिनट वीर जी, ये देखो ना, टेस्ट की पर्ची है, ये टेस्ट की पर्ची नहीं है, एडमिशन है भाई साहब, प्राइवेट वार्ड है, हाँ हाँ सर, इस चीज का कोई वो नहीं है, ये कोई एमरजेंसी नहीं है, बंदा ऑलरेडी एडमिट है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ।
बंदा दो इतने तो जोड़ा अपॉइंटमेंट है तुम यार माड़ा मोटा साड़ा साथ दो पहले दूजे पास खड़ी वर्कर्स ने ही कहा कि इस पास लाओ इन्हों कटवा देंगे असं तद इन्हों को लाए असि ही खड़े बिलकुल बिलकुल सुन सकते हो कि जो आम लोग है जो किसान है मीडिया हटाने की कोशिश कर रहे हैं जी हकीकत है वह भी नहीं इतने दिखाई जाए हालांकि दैनिक सवेरा हमेशा ही जड़ा कभी भी कोई पक्षपूर्ण खबर नहीं दिखाई है जो हकीकत है असी वो ही हमेशा दिखाने आए आज भी असी जड़ा दर्शकों सामने असल तस्वीर जड़ी पेश कर रहे हैं कि असल दे विच हकीकत हैगी आम लोग हालांकि जरूर परेशान है लेकिन किसान भी पिछले चार महीने तो जड़ी दिल्ली की बरूह से बह के अपने अंदोलन चला रहे अपनी मंगा हकी मंगा लैके जरा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसी लैके अज इन्हों सड़क पर आके मजबूर होना पै क्योंकि मोदी सरकार पिछले चार महीने तो इन्हों की मंगा दरकिनार कर रही है तो जिसन लैके अज इन्हों सड़क पर आके भारत बंद का कॉल करनी पी है तो जिसके कारण आम लोग जरूर परेशान भी हुए हैं मुलापुर तो कैमरामैन प्रवीण पांडे के साथ अंकुश महाजन दैनिक सवेरा टीवी ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 9647 84374 9648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाह प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा मोबाइल 9878 0548 85588 3617